Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. बचपन से ही मतलब मेरे को ये लाइन का बहुत शौक था इसलिए वो हमेशा मैं पिक्चर में जाऊँ तो ऊपर देखते रहूँ मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई बैटरी मार के कुछ बता रहा है अपने को तो मुझे एक शौक था कि नहीं अपन भी बड़े होके शायद कुछ देखते ही चला के अगर होता है तो चला लेंगे I've seen movies in many theaters, but nothing even comes close to this. Like, this theater is something completely different. Today, my producers have got me here to the iconic Liberty Cinema, one of Mumbai's last art deco cinemas. I'm here to meet a projectionist who's been working in the industry for a period longer than I've even been alive. I can't wait to see him because the projectionist's room is supposed to be the best seat in the house. Let's go meet him. जब मैं 17 साल का हो गया तो मुझे तो शौक था डैडी को ही मालूम है कुछ ना कुछ घर के अंदर बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहता है तो मुझे वहाँ पे ले गए ताज टॉकीज है थिएटर है पटेल बोल के मैनेजर थे वहाँ पे तो उनसे बात की बोले ये मेरा लड़का है ऐसा है इसको कुछ भी काम के लिए दे तो मैं बोला नहीं मुझे काम के लिए मुझे वो पिक्चर का जैसे चलता है ना वहाँ पर लगवा देना मुझे काम मैं जब वहाँ पे गया तो मेरी पहली फिल्म मेरे महबूब थी उसको मैंने स्टार्ट भी किया और मतलब साउंड बिन भी दिया विंडो में मुंडी डाल के भी मैंने देखा साउंड चेक किया तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि मैंने ये फिल्म चालू की जब आपने शुरू किया तो सब फिल्म पे रील पे चलता था हाँ, और अभी बदल गया है उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए पहले कैसे था नहीं पहले जो सिस्टम था वो काफ़ी अच्छी थी मतलब वो सब कुछ हमारे हाथ में था जुम्मा अपने जैसे फ्राइडे आता है तो प्रिंट आ जाती है रात में उस डब्बे में रील आती है जैसे अभी ये डब्बा है 8 डब्बे आएंगे कभी 9 आएंगे वो टाइप से वो पिक्चर बनती है तो उसको निकाल निकाल के यहाँ बनवाते हैं फिर अगर ये कभी छूट गया दूसरा रील मंगाना पड़ेगा तो हमको इसको जैसे मतलब वो बच्चा होता है उस टाइप से हमको इसको पकड़ के चलाना पड़ता है ये घुमाते घुमाते यहाँ पे नंबर आते हैं 1 2 3 4 तो हम लोग को वहाँ पे पकड़ना है जैसे हमने वहाँ पे पकड़ लिया उसको मशीन पे रख के कट कर दिया ये पार्ट अलग हो गया ये पार्ट अलग हो गया Now, although today's digital projectors require little more than just pushing a button, the role of a projectionist back in the day was a lot more complicated than it seems. कार्बन जलाना पड़ता था बल्ब नहीं थे वो टाइम पे बल्ब से जलने के बाद ही दिखाई दे एक्शन फाइट पे गोली पे इस पे से अगर सॉन्ग बजाना है हमारे पास एक स्विच रहता उसका उस गाने पे हम लोग बजाते थे ऐसा लगता था कुछ कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं उसको लगा रहे काफी घुमा रहे पब्लिक को दिखा रहे पब्लिक ताली बजा रहे तो हमको भी अच्छा लगे Along with Aslam, Liberty Cinema has a team of 3 veteran projectionists who run the show. कंबाड़ा बोल के फारसी बाबा है एक असलम बोल के मेरे नाम से बहुत जगह पे होते हैं दो नाम के जैसा मेरे को दूसरा नाम दे देंगे कन्नू असलम बटला असलम ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं ना ऐसा हम लोग की वो टीम है सुबह डे में 2 जन रहते नाइट में 2 जन रहते हम बहुत हंसते खेलते खुशी से काम करते थे और अभी इसमें जो नए में ठीक है तू बैठ मैं आता हूँ जाकर तू देख मैं आता Back in the day, a projectionist had an essential role to play. He was directly responsible for the moviegoer's experience. A projectionist was a filmmaker in his own right. हम लोग पिक्चर चला रहे और हम लोग मालूम है 1 2 3 पार्ट चल रहा है उसके बाल बड़े थे वहाँ छोटे हो गए घोड़ा भाग रहा था अभी गधा भागते हुए भी दिख रहा है तो हम लोग पकड़ लेते थे पब्लिक को ज़्यादा करके समझ में नहीं आता था हम लोग को समझ में आ जाता था
ऐसे कभी हुआ है कि कोई मतलब डायरेक्टर या एक्टर आया प्रोजेक्शन रूम में आपके साथ? डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब उनकी पिक्चरें आती थी लगती थी, जब शो चालू होता था तो प्रोजेक्शन में आके गपचुप से देखे, और उनको जब ऐसा लगता कि नहीं पब्लिक सिटी बजा दी, टाली बजा दी, तो वो भी बड़े खुश होकर चले जाते थे। हम लोग भी ज़्यादा जोश आ जाता था उसमें। तो अभी तो कोई आता ही नहीं है, अभी तो बस वो आप मेरे कैसे ये सेटेलाइट के थ्रू ही देखते हो कि घर पे बैठे बैठे यहाँ आने का थिएटर में कोई मतलब ही नहीं है। अबाउट अ डेकेड अगो एनालॉग स्टार्टेड गिविंग वे टू डिजिटल। टुडे nearly 90% of theaters across the country have made the transition. The projectionists have been here for more than, again, 40 years. They've seen right from the old reel running black and white movies till running even today's latest projectors. Well, in those days it was a very laborious job. Projection room was like a aircraft's engine room. But today it's far simpler. Today in the age of digital media, this is ultimately the technology that decides the fate of these projectionists. So like while his job has gotten like a lot easier, it's also gotten like a lot more boring. Like he's lost the essence. It was an art at a time. ये जो नई जो हम लोग प्रोजेक्टर चला रहे हैं इसमें हम लोग को ज़्यादा मतलब मेहनत करने की कोई ये नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सब अपने आप हो रहा है, चल रहा है। नहीं मैं बोलूँ तो क्या है, जैसे सेटेलाइट से हो गया, एक दो बटन दबा दिए यहाँ वहाँ अपने आप चालू हो गया। अभी वो कुछ काम नहीं है, अभी सिर्फ देखना है बस, जैसे वॉचमैन की तरह बिठाया जाता है यहाँ पे, एसी में बैठना है देखना, पहले एसी भी नहीं था। Honestly, if I wanted to become a projectionist, I would prefer the new projectors. You have the best seat in the house, you press the button, start the movie and watch it. It's that simple. जो नए बच्चे जो हमारे बाद जो ऑपरेटर बनेंगे उनके लिए तो वो ठीक है, अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो मजा हम लोग को पुराने में आती थी मतलब चलाने में, वो नए में नहीं आ रही है। पहले हम लोग को भाव मिलता था, अभी नहीं मिलता है किसी को। क्या अभी हम लोग ये उम्र में छोड़ के भी कहाँ जाएंगे, दूसरा जॉब कौन सा करेंगे? तो ठीक है ना, ये नहीं ये सही, मतलब हम चला रहे, मतलब प्रोजेक्शन में ही है और हम पिक्चर ही चला रहे ना। Right from talking to the entire team about their job, how technology may have made their jobs easier, but it snatched the art of projecting a film away from them. As film is being phased out and digital takes over the industry, soon the only thing left for projectionists to do will be to hold on to fond memories. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप 101 इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब आप वो कर लेना, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड।